उत्तर प्रदेश के कानपुर में देवास साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 25 डिब्बे डिवेल हुए। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत वही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कुछ यात्री घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा देर रात 2:35 पर कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया। इंजन पर टकराने के निशान है। सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। आईबीओ और यूपी पुलिस जांच कर रही है। झांसी डीआरएम दीपक सिंह ने कहा कि हादसे के वक्त यात्रियों ने टकराने की आवाज भी सुनी है और इसकी जांच हो रही है। हादसे से 50 मीटर तक पटरियां उखड़ गई। लोहे की क्लिप उखड़कर दूर जाके भी ट्रेन कानपुर स्टेशन से गुजरी थी। ऐसे में स्पीड बेहद धीमी थी। कानपुर से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है। देखिए, ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में करीब 2:30 पे। इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था और उसमें जो हमारा सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो ड्राइवर से पता चलता है। उसके द्वारा पता चला कि इसमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से हीटिंग हुई है, तो वो तो खैर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या इसमें कारण रहा। और हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएँ, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है। हमने करीब कुछ बसेस की यहाँ व्यवस्था की थी और एक हम ब्रेक भी लेके आए थे कानपुर से। हमने सारे पैसेंजर्स इस साइड से क्लियर करके चले गए हैं। वो कानपुर जाके उनकी ट्रेन भी वहाँ से चली गई है, तो पैसेंजर को तो हमने एक तरीके से उनके गंतव्य स्थान में पहुँचने के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया है। अब हम सब लोग यहाँ पर जो रेलवे की टीम यहाँ पर आई हुई है, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, हम रिस्टोरेशन का काम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका एग्जामिनेशन कर लिया है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक हमारा जो टूवर्ड्स कानपुर वाला ट्रैक है वो ऑलरेडी उसमें ट्रेनें चल रही हैं, तो हमारे पास एक तरीके से एक लाइन ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है। एक ही लाइन की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एग्जामिन करने के बाद अभी रिस्टोर करने का काम शुरू कर रहे हैं। इसमें देखिए, हादसा तो इसमें डिरेलमेंट भले हुआ लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें उन लोग बैठा करके